नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी लीडर में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट फार्मेसी लीडर। आज आपके लिए फिर से एक स्वास्थ्यवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बताएंगे तनाव स्ट्रेस के 10 कारण। देखिए, तनाव या स्ट्रेस क्या होता है, आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी का में एक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, किसी न किसी रूप में वो तनाव से ग्रसित है। इवन आजकल तो देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनको भी तनाव की समस्या हो रही है। तो जानेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से कि तनाव के क्या कारण हैं। तो 10 प्रमुख कारणों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तनाव क्या है, तनाव के प्रमुख 10 कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कोई एक्सरसाइज नहीं। तो जो व्यक्ति कोई भी सुबह उठकर या शाम को भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अक्सर ऐसे व्यक्ति तनाव के शिकार होते हैं। तो तनाव से बचने के लिए डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे रनिंग करें, चाहे आप जो है तैराकी करें, कोई भी खेल अपनी पसंदीदा खेलें, तो कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे तनाव ना हो। दूसरा कारण होता है सूर्य का प्रकाश नहीं। जिन व्यक्तियों को सूर्य का प्रकाश देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो है तनाव आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह सुबह उठकर 10 मिनट सूर्य का प्रकाश जरूर लेने की कोशिश करें, सूर्य के प्रकाश में टहलें। आगे होता है कचरा भोजन, यानी कि अनबैलेंस डाइट लेना, सुबह नाश्ता अच्छा ना करना, खाली पेट बाहर चले जाना, काम पे चले जाना, दोपहर में लंच अच्छे से ना करना, रात को डिनर अच्छे से ना करना, तो इसको कचरा भोजन बोला जाता है। तो इसमें क्या है, अपने खाने में संतुलित भोजन का एक रूटीन लाएँ, नाश्ता अच्छे से करें, टाइम टेबल पे करें प्रॉपर, कि नाश्ते का टाइम होना चाहिए, लंच का टाइम होना चाहिए दोपहर के खाने का, और रात को डिनर का टाइम होना चाहिए। बीच में कुछ भी ना खाएं, और खाएं तो थोड़ा थोड़ा खाएं। अगला पॉइंट आता है कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं पे यहाँ का मतलब है कि कुछ लोग जो है सुबह सुबह उठ के ध्यान नहीं लगाते हैं, ध्यान योगा नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी स्ट्रेस होता है। तो इसलिए सुबह सुबह उठें और दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो गए, जैसे सुबह फ्रेश होने के बाद और पेस्ट उस्ट करने के बाद नहाएं, और नहाने के बाद जो है प्रॉपर 5 से 10 मिनट अवश्य ध्यान लगाएं। यदि ध्यान लगाएंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगला पॉइंट आता है टालम टोल। कुछ व्यक्ति क्या है, अक्सर टालम टोल की समस्या रखते हैं, यानी कि किसी कार्य को करना है तो बाद में कर लेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण ये है कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति से बचें और जो काम आपको दिया गया, जो टास्क आपको दिया गया, तुरंत करने की आदत डालें, इससे भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ख़राब नींद की आदतें, अक्सर लोगों में देखा जाता है कि उनके कोई सोने का टाइम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ख़राब नींद की आदत को जीवन से बाहर निकालें, एक सोने का टाइम फिक्स करें। रात को आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए, हद करें तो 11 बजे सो जाना चाहिए, और 5 बजे अवश्य उठ जाएं, सुबह जल्दी उठें, और प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। 6 घंटे से कम नींद कभी ना लें। तो ख़राब नींद की आदत जिसके अंदर होती है उसको भी स्ट्रेस आता है। अगला पॉइंट आता है कोई जुनून नहीं, कोई शौक नहीं। तो अपने जीवन में जो है कोई जुनून या शौक पालें, जैसे आप कोई खेल खेल सकते हैं पसंदीदा, पढ़ने की आदत अपने जीवन में लाइए, और तैराकी कर सकते हैं, घुमक्कड़ी कर सकते हैं, अपने पसंदीदा मित्र से बातें कर सकते हैं, एक दो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दोस्त ऐसे ज़रूर रखें जिनसे आप अपने मन की बात कर सकें, बातें चीतें कर सकें। तो इस तरह कोई ना कोई जीवन में आपके शौक होना चाहिए। टीवी देखें, यूट्यूब देखें, सोशल मीडिया देखें, इस तरीके से, पर ज़्यादा नहीं, कम से कम, एक लिमिट में। अगला पॉइंट आता है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। तो देखिए साथियों, आजकल क्या है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी तनाव आता है। सोशल मीडिया देखें, ऐसा नहीं है समाज में क्या घटित हो रहा है नज़र ना रखें, पर एक लिमिट के अंदर रखें, जैसे 1 घंटा देख लिया, 2 घंटा देख लिया, 3 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। अगला पॉइंट आता है गलत टाइम मैनेजमेंट। जिन लोगों का कोई टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता है, अक्सर ऐसे लोग तनाव से पीड़ित होते हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट करें, उठने का टाइम हो, खाने का टाइम हो, सोने का टाइम हो, किस कार्य को आज आपको पूरा करना है, कितने समय में करना है, कितना पढ़ना है, इसको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में डिसाइड करें। अपने दिन को एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग व्यतीत करें, टाइम को, अपने टाइम को जो है टाइम मैनेजमेंट का पार्ट बनाएं। तो जब आप एक प्रॉपर वे में टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेस आपके पास नहीं आएगा। अगला पॉइंट आता है, और जिसको लास्ट पॉइंट भी मैं कहूँगा, खुद से कटा हुआ रहना। सुबह
अक्सर ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खुद से कटा हुआ कहा जाता है। तो अपने आप से भी बातें करें कि आप सही कर रहे हैं क्या, आप गलत कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि सुबह उठें, छत पे या बगीचे में या पार्क में आप टहलें, और उस समय 10 से 20 मिनट अवश्य अपने आप से पूछें कि कैसा जीवन चल रहा है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए हेल्थी। और हाँ, हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपकी हेल्थ फिट है तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो साथियों, आज हमने बात की तनाव या स्ट्रेस के 10 कारण। इसी तरह की स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से एक नई स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।